फूलों की आकृति वाली आप जिन हरी पत्तियों को यहाँ पे देख रहे हैं, ये अजोला है जो कि एक चारे के रूप में इस्तेमाल होता है। इसे पशुओं का ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं। हमारे साथ हिना कौशर जी हैं जिनसे हम जानेंगे कि इस अजोला को आप कैसे तैयार कर सकते हैं, इन्हें किन किन पशुओं को दिया जा सकता है और इससे जुड़ी और सारी भी जानकारी। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। तो ये जो अजोला है इसकी सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी क्या है, ये चारे के रूप में क्यों दिया जाता है पशुओं को, रिकमेंड आप क्यों करते हैं पशुओं को देने के लिए एज अ चारा? देखिए मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो हमने अपने एक डैमो में यूनिट लगाई है वो है अजोला उत्पादन इकाई, इसको हम हरा चारा भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक वाटर फर्न है। दरअसल क्या होता है कि जो फर्न होता है ये उसी प्रकार का फर्न है जो कि ज़मीन पर पाया जाता है, लेकिन ये वाटर फर्न है, मतलब पानी के ऊपर ये होने वाला फर्न है, जड़ें इसमें होती हैं। और ख़ास बात ये है कि हरा चारे की तरह इसका पशु जो है खाने में प्रयोग कर सकता है। इसमें अच्छी मात्रा जो होती है वो हरे चारे में फाइबर भी है एनिमल के लिए और अच्छा खासा नाइट्रोजन और प्रोटीन की मात्रा भी अच्छी होती है, तो एज ए फीड हम जो है एनिमल को दे सकते हैं क्योंकि हरा है, चारा है और एक प्रकार से ये खाद्य रूप में प्रयोग में आएगा एनिमल्स के। तो ये किन किन पशुओं को दिया जा सकता है? देखिए ये एक्चुअली हम पोल्ट्री फीड में भी प्रयोग कर सकते हैं, इसको हम जो है अपने जो हमारे लार्ज एनिमल्स हैं जो कैटल हैं उनको भी दे सकते हैं, ये उनके प्रयोग में भी आता है। तो इसमें सबसे अच्छा जैसे कि प्रोटीन की मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा होती है इसलिए रिकमेंड किया जाता है कि ये पशुओं को दिया जाए। हाँ। प्रोटीन के सिवा क्या क्या इसमें क्वालिटीज़ होती हैं? देखिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि जो और चीज़ें और चारे में पाई जाती हैं वो इसमें भी होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम फार्मर्स को रिकमेंड करते हैं कि अगर उसके यहाँ वाटर बॉडी है कोई ऐसा कुछ, कई बार क्या होता है किसानों के आसपास, खेत के आसपास या घर के आसपास ऐसा एरिया होता है जहाँ पानी इकट्ठा रहता है हर वक्त, वहाँ कुछ नहीं हो पाता है, तो एक अच्छा ऑप्शन है कि हरे चारे के लिए जो है हम उस एरिया को जो वेस्ट लैंड है जहाँ पानी इकट्ठा हो रहा है उसको हम प्रयोग करें कि पशु का चारा हम वहाँ उगा सके। तो उस केस में क्या ये फर्न बहुत अच्छा काम करेगा कि हम उस वेस्ट लैंड को हम प्रयोग कर रहे हैं पशु के चारे के लिए। या किसान चाहे तो वो क्या कर सकता है, पिट खोदते हैं, हम गड्ढा खोदते हैं, गड्ढे में हमने पॉलिथीन डाल दी है, बड़े साइज़ के गड्ढे हमने खोद के उसमें पानी भर के इसका उत्पादन कर सकते हैं। और ये चारा वर्ष के अराउंड द ईयर यानी कि 12 महीने ये होता है, तो एक अच्छा ऑप्शन ये भी है कि ये चारा अगर आपने एक बार कहीं लगा लिया है तो आप उसको पशु को वर्ष भर के लिए इसको आप दे सकते हैं। जैसे कि अभी आपने बताया कि गड्ढे में आप एक गड्ढा खोद सकते हैं और फिर उसमें इस चीज़ को तैयार कर सकते हैं, तो एक ये डिटेल्ड जानकारी आप हमें बता दें कि जो किसान भाई बहन हैं हमारे वो इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। देखिए इसके लिए क्या करना होता है, किसान भाई चाहे तो कोई ऐसा एरिया उनके घर के आसपास हो जहाँ पे ज़्यादा हलचल ना हो, जैसे कि इंसान वगैरह या पशु वगैरह ना जाते हो, क्योंकि क्या है आपने गड्ढा खोदना है वो तकरीबन गड्ढा आप चाहे तो 75 सेंटीमीटर की डेप्थ का भी खोद सकते हैं, पूरा एक मीटर ना करके। उस गड्ढे को खोदने के बाद साइज़ अपने हिसाब से आपने देखना है कि कितना साइज़ रखना है, ठीक है। आप चाहे तो उसको 7 से 8 मीटर लंबा भी रख सकते हैं या 5 मीटर लंबा रख सकते हैं, और गहराई उसकी आपको 1 मीटर से कम ही रखनी है। उसमें आपको उसमें पानी भर देना होता है। पानी भरने के बाद क्या, पानी भरने से पहले क्या है कि आप पानी डालेंगे तो पानी आप मतलब नीचे चले जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें पन्नी लगानी होती है, कोई पॉलीथिन शीट आपने बिछा दी उस गड्ढे के ऊपर, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग टैंक बनाए जाते हैं एग्जैक्टली वैसा आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है। उसमें क्या करना है, इसकी आपको मात्रा डाल देनी है। मैं आपको बताऊँ ये इसकी बहुत ज़्यादा मात्रा डालने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ये 7 to 10 डेज में मल्टीप्लाई मतलब दुगनी अमाउंट में ये हो जाता है, ये वाटर फर्न है। तो यदि आपको 5 से 6 किलोग्राम भी अगर मिलता है तो आप उसको भी डाल करके कुछ टाइम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और टाइम टाइम पे आपको इसको हार्वेस्ट करना होता है। हार्वेस्ट करने के लिए क्या है कि सीधे आपने इसको ऐसे उठा लेना है, इस तरीके से आप उठाएंगे, ड्रेन करेंगे, पानी गिराएंगे और रख दिया। और जब आप इसको हार्वेस्ट करेंगे तो पूरा इसको पूरा आपको एक साथ उठा के नहीं ले जाना है। सपोज करें अगर आपको इतने एरिया में एजोला लगा है तो आपको इतना छोड़ देना है ताकि ये फर्दर मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है। और इतना ही आपको उठा करके ड्रेन करके पशु को चारे के रूप में दे देना है। मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी इसकी खासियत, कुछ किसान भाई हमारे धान लगाते हैं जिनके पास अच्छा खासा पानी की व्यवस्था होती है उनके खेतों में, तो उस केस में ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो ये है कि ये जो होता है पानी में होता है, ठीक है। धान के खेत में हमारे पास कम से कम 4 महीने तो पानी हम खेत में इकट्ठा रखते ही हैं, सिंचाई दी जाती है। तो उस केस में क्या है कि अगर आपने धान लगाया है, धान में पानी इकट्ठा है, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको इसके फ़ायदे गिनाती हूँ कि अगर आप धान के खेत में इसको डालते हैं तो क्या फ़ायदे। सबसे पहली बात तो ये जो एजोला है आपका, इसका एक संबंध होता है बैक्टीरिया के साथ जिसको बोलते हैं एनाबीना। एनाबीना के साथ एजोला जो है इसका आपस में रिलेशनशिप है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो वातावरण में नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को ये क्या करता है,
एजोला के साथ मिक्स होकर के आपके खेत में स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का। तो यदि धान के खेत के साथ आपने एजोला लगाया हुआ है तो आपके खेत में 20 किलोग्राम नाइट्रोजन ये फिक्स कर देगा। ओके ठीक है। तो क्वांटिटी जो आपकी है खेत में डालने की, धान के खेत में नाइट्रोजन एप्लीकेशन की, वो कम हो जाती है। तकरीबन 20 किलोग्राम नाइट्रोजन ये फिक्स कर देगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो होता है कि बायो फर्टिलाइजर की तरह बिहेव करेगा ये। दूसरी बात ये कि इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी है जो रिसर्च में हमने पाया है कि PGR प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और कुछ विटामिंस रिलीज करता है, जो कि धान की ग्रोथ को, उसके फसल को और अच्छा करते हैं। ठीक है, तो इसके ये भी फायदे हैं। उसके अलावा इसमें मैंने बताया कि नाइट्रोजन फिक्स करता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें जो है, अगर ये चारों ओर ये फैला रहेगा इस तरीके से, ऐसा रहेगा, तो इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर पानी के ऊपर है तो पहली बात तो ये है कि जो धान के खेत में वाष्पीकरण से पानी लॉस होता है, हाँ, वो लॉस कम हो जाएगा, क्योंकि एक सरफेस, पानी की सरफेस घिरी रहेगी। दूसरी बात ये है कि धान की जड़ को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो होता है वो, इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसमें कह सकते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो धान की जड़ है उसको रेस्पिरेशन के लिए क्या है, टाइम, वो ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी और कुछ नुकसान नहीं होगा। तो पानी का जो है वाष्पीकरण कम होगा, धान की जड़ को कोई नुकसान नहीं है, और बल्कि धान के पैदावार को इसको बढ़ावा ही मिलेगा। तो इस प्रकार से ये इसके फायदे हैं, यानी कि पशुओं के साथ साथ ये फसल, खासकर धान की फसल के लिए ज़्यादा लाभकारी है। क्या इसे तैयार करने में हमें किसी फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ती है, किसी केमिकल को भी डालने की ज़रूरत पड़ती है? हाँ देखिए, वैसे तो ये वाटर फर्न है, मतलब वाटर ही वो चीज़ है जिससे कि ये सब कुछ अपने न्यूट्रिशन लेता है, हाँ। लेकिन अगर फर्दर अभी आप ऐड करना चाहें तो हाँ, थोड़ी मात्रा आप नाइट्रोजन की इसमें डाल सकते हैं, या फिर पोटेशियम किसी फर्टिलाइज़र की डाल सकते हैं। वैसे बहुत नीट तो नहीं होती है, लेकिन हाँ, अगर आप डालेंगे तो वो जल्दी फ्लरिश करेगा, ये एक प्लस पॉइंट है उसके डालने में। तो इसका कोई टेम्परेचर भी है कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में आपको तैयार करना है? देखिए, मैंने बताया कि राउंड द ईयर होता है, तो ये आपका मिनिमम टेम्परेचर से लेके हाईएस्ट टेम्परेचर तक का सहन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो इसका कोई स्पेसिफिक वैसा नहीं है कि इस टेम्परेचर पे आने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा या इससे नीचे में नहीं होगा, तो राउंड द ईयर होगा। तो ये मतलब आप मान के चलिए कि 4 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के आपका 40 डिग्री के बीच भी ये सर्वाइव करने में केपेबल है। ओके जी, तो जो किसान मान लीजिए कि किसी दुकान से इसको अपने घर कैरी करना चाहते हैं, तो वो कैरी कैसे करते हैं? ये पानी के साथ ही आपको कैरी करना होता है या फिर इसकी कोई बीज होता है इसका? जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। देखिए, पहली बात तो बीज नहीं है, मैंने बताया कि ये वाटर फर्न है, इसी को आपने उठा करके पॉलिथीन में डाल लेना। अगर देखिए आपके घर की जो दूरी है जहाँ से आपने इसको परचेस किया है, 2 से 3 घंटे की है, तो इससे कोई नुकसान नहीं होगा। आपने इसको पन्नी में, पॉलिथीन में भरा, बैग्स में बांध के आप ले आए, फिर ठीक है 2 से 3 घंटे बाद आपने उसको वाटर बॉडी में छोड़ दिया, जहाँ भी आपने इसका टैंक बनाया है पानी। या अगर बहुत दूर है तो उस केस में आपको, सपोज करें कि 5-6 घंटे का टाइम लगता है इसको परचेस करने के बाद, या 7-8 घंटे का लग जाता है, तो उस केस में आपने इसको पानी में डाल के, फिर उसको थोड़ा सा पानी डाल के, इस फर्न को डाल के पैक करके ले जा लेना। तो क्या पानी तो रहती है, लेकिन पानी में आपने बताया कि पॉलीथीन रहता है, उस पर हम पानी डाल के इसको उगा सकते हैं, लेकिन क्या गोबर का भी इस्तेमाल होता है इसे उगाने में? देखिए, ऐसे गोबर की आवश्यकता तो नहीं होती है, जलीय पौधा है, तो ऐसा कुछ गोबर वगैरह डालने की आवश्यकता तो आपको नहीं है। कितने क्वांटिटी के लिए इसको अगर हमें पशुओं को देना है तो किस क्वांटिटी में हम दे सकते हैं? ये एज अ होल दे सकते हैं या फिर किसी चारे में इसे मिला के दिया जा सकता है, किस तरीके से? आप इसे मिक्स करके ही दीजिए एनिमल, ऐसा नहीं है कि आप केवल ये फीड दे रहे, क्योंकि एनिमल की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। उसमें केवल ये नहीं कि उसको हरा चारा चाहिए, हरे चारे के अलावा उसको कुछ कॉन्सेंट्रेट भी चाहिए होता है, कुछ अनाज भी चाहिए होता है, तो उसके एज इसको आप ऐसा मानिए कि सब्स्टिट्यूट है हरे चारे का। ओके ठीक है, तो आप भूसे के संग मिला के वैसे दे सकते हैं एनिमल। तो इससे तो उनके आय पर भी काफ़ी, क्योंकि जैसे अगर हम अपने पोल्ट्री फार्म में जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनको देते हैं, तो उन अगर गाय को देते हैं तो अच्छी गुणवत्ता के दूध मिलेंगे, और अगर हम मुर्गियों को देते हैं तो अच्छी गुणवत्ता के अंडे मिलेंगे, लेकिन क्या उत्पादन भी बढ़ेगा दूध का इससे? हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो एनिमल जो कैटल है हमारा, उसमें मिल्क प्रोडक्शन में भी उसका जो है कुछ फ़ायदा आपको मिलेगा, वो बढ़ेगा। ओके, अजोला को उगाने में सबसे ज़्यादा किस बात का ध्यान रखना होता है कि ये ख़राब ना हो, क्योंकि इसके ख़राब होने की भी संभावनाएं रहती हैं?
जी जी बिल्कुल, देखिए बहुत सही सवाल है आपका। पहली बात तो ये है कि जब अजोला है, मैंने बताया कि बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो इसमें ओवर क्राउडिंग ना हो। जैसे कि सपोज़ आपने जो अजोला आपने डाला है ना, वो इतना बढ़ करके ऐसा ना हो जाए कि उथल पुथल उसमें हो, तो उसकी जड़ें ऊपर की तरफ आ जाए। अच्छा, ठीक है, तो आपको टाइम टाइम पर हार्वेस्टिंग भी उससे लेनी है, और ये ध्यान रखना है कि जो इसकी जड़ें हैं ना, ये है, ये ऊपर की तरफ ना हो, वो नीचे की तरफ हो, ताकि केवल जो इसका वाला पोर्शन, जो पत्तियों वाला पोर्शन कह सकते हैं फर्न का, वो ऊपर की तरफ रहे। तो हार्वेस्टिंग की टाइमली आपने करनी है, क्योंकि अगर आप ऐसे रहन देंगे तो वो वेस्टेज ही है, क्योंकि एक लिमिट के बाद तो वो उसमें एक फेज़ आ जाएगा कि वो बढ़ेगा नहीं। तो बेटर है कि आप उसको टाइम टाइम पे हार्वेस्ट करें, और पूरा हार्वेस्ट ना करें, ठीक है, एक तरीके से सीड आपको उसमें छोड़ देना है ताकि फर्दर मल्टीप्लाई हो। आपको समय समय पर वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि आपको समय समय में उसको हटाना भी है पानी से, ताकि वो अच्छी तरीके से वो उग सके। और जैसे कि क्या होता है कि अगर जड़ें जो होती हैं वो ऊपर की तरफ आ जाती हैं, तो बाकी जो बने हुए हैं हमारे, जो ऑलरेडी उग चुके हैं, उसमें भी कोई नुकसान आने की संभावना रहती है? नुकसान अगर इसकी जड़ ऊपर आ जाएगी तो ऑब्वियसली ये सूख जाएगा, ये खराब होगा। हाँ, ये खराब होगा, मतलब तरीके से तुरंत ख़राब तो नहीं होगा, लेकिन हाँ ये बेटर है कि जब पौधे लगाए हैं तो उसकी जड़ नीचे की तरफ ही हो, ऊपर ना, तो ये ओवर क्राउडिंग की वजह से ही ऐसा होता है। अदरवाइज प्लांट अपने आप को कुछ टाइम में एडजस्ट कर लेता है। कितने टाइम स्पेन में ये बनकर तैयार? देखिए, एक बात ये भी है कि आप चाहे तो इसके पानी को ले करके आप खेत में प्रयोग कर सकते हैं, ये पानी थोड़ा न्यूट्रिशियस है कंपैरेटिवली उसके, और आप पानी चेंज भी कर सकते हैं, और नहीं भी कर रहे हैं तो आपको ध्यान देना है कि आप पानी का लेवल ना कम हो जाए, ठीक है, तो लेवल बना रहना चाहिए पानी का। तो जैसा कि आपने हिना कौशल से जाना कि अजोला आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, किस क्वांटिटी में अजोला को आप अपने पशुओं को दे सकते हैं, साथ ही ये धान में भी, धान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, धान का उत्पादन बढ़ाने के लिए, और कीट से बचाने के लिए भी आप अजोला का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे किसानों के आय में भी वृद्धि का ये एक बहुत ही बड़ा साधन बनेगा। मैं तेजस्विता उपाध्याय, किसान ऑफ इंडिया के लिए। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं, और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।